Monday is pink. Choose one. Hey guys, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी जो कि है नैन्सी त्यागी की. प्लीज वॉच एंड एंजॉय. वैसे तो नैन्सी त्यागी का कोई इंट्रो देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आजकल वो ही हर जगह छाई हुई हैं. बट उनकी स्टोरी जिन लोगों को नहीं पता तो उनको तो मैं बता ही देती हूँ. आफ्टर स्कूल नैन्सी ने सोचा कि उन्हें यूपीएससी की तैयारी की जाए और उसके लिए उनको लेनी थी कोचिंग. बट उनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उसे अफोर्ड कर सकें. तब उनकी माँ ने अपने गहने बेचकर उन्हें दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा. उसके बाद वो आ गई दिल्ली. यहाँ आने के बाद उन्होंने जब कोचिंग स्टार्ट की तो कुछ टाइम बाद कोविड आ गया और लॉकडाउन लग गया. उनके पैसे धीरे धीरे ऐसे ही खर्च होने लगे. तब उनको एहसास हुआ कि धीरे धीरे सब पैसे खत्म हो जाएंगे, इससे अच्छा कि मैं एक कैमरा ले लेती हूँ. और उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया जिसमें वो फैब्रिक लाती थी, स्टिच करती थी और खुद ही पहन के प्रेजेंट करती थी. तो वीडियो बनाते बनाते काफी टाइम हो गया तो उन्होंने सोचा क्यों ना वीडियो में डांस भी ट्राई किया जाए. तो उनकी वीडियो वायरल तो हुई बट उस पे उनको बहुत हेट मिला जिसमें उनको बहुत बॉडी शेमिंग भी किया गया. लेकिन वो उससे रुकी नहीं और उन्होंने अपनी वीडियोस बनाना कंटिन्यू रखा. फिर उनकी हेट जो उनको मिली थी उनकी वीडियोस पे वो प्यार में बदल गई और फिर उस पे बहुत अच्छे अच्छे व्यूज आने लगे, कमेंट्स आने लगे और धीरे धीरे ये सफर बढ़ता बढ़ता कांस तक जा पहुँचा. और कांस में भी नैन्सी ने अपने ही बनाए आउटफिट को पहना और उसे फ्लॉन्ट किया. तेना हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस, तो नैन्सी ने वो पूरा करके दिखाया. गाइज, स्टोरी सुनाते सुनाते हमारी डूडल आर्ट भी होने वाली है कंप्लीट. इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना. ओके, बाय बाय.